आपको याद होगा नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद तनाव हुआ था। अब इस मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। ये नमाज पढ़ने जानबूझ के यहां आए थे और नमाज पढ़ने का वीडियो बनाने भी लोग आए थे। मतलब ये हुआ कि जानबूझकर ये साजिश रची गई, वीडियो में नमाज पढ़ने की दिशा भी गलत बताई गई है। तो ये लोग आए और जिसने वीडियो बनाया वो वीडियो भी बनाया। मॉल के सीसीटीवी फुटेज में नमाज पढ़ने का ये वीडियो आया है। अब क्या ये लोग जानबूझकर आए? लड़कों की पहचान की जा रही है, गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। आइए हम आपको सीधे संतोष शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। संतोष, किस तरह की ये साजिश थी जिसका खुलासा हो चुका है? देखिए, अभी इतना जरूर है कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में है, जो लखनऊ पुलिस को इन लोगों की तलाश है, लुलु मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, तो उसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। एक तो ये लोग जो आए थे वो खरीदारी करने नहीं आए थे। पहला इनका अटेम्प्ट था कि लुलु मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर ये नमाज अदा करें। दूसरा, जब इनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो ये सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और वहां पर ये बहुत जल्दबाजी में सिर्फ एक पोज दे रहे हैं, कुछ सेकंड्स का एक वीडियो बनाते हैं, करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो आता है, दूसरा एक 18 सेकंड का वीडियो आता है जिसमें नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इनकी जो दिशा है, जो लुलु मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस को जो जानकारी मिल पाई है, जो दिशा है जो नमाज अदा करने की, वो गलत दिशा में है। अमूमन जो मेरी जानकारी में है कि पश्चिम दिशा की तरफ करके नमाज अदा की जाती है, ये लोग गलत दिशा में, दूसरी दिशा में नमाज अदा कर रहे थे, जिसको देखने के बाद अब पुलिस को ये आशंका है कि जो लोग आए थे एक बड़ी सोची समझी साजिश के साथ आए थे, वो एक इसी मंशा के साथ आए थे कि संतोष नमाज अदा करने संतोष वीडियो बनाना वायरल करना है। संतोष, इसका मतलब हम ये माने कि ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये लोग माहौल खराब करना चाहते थे और इसलिए इन लोगों ने ये हरकत की। कौन है ये लोग, कोई जानकारी मिल पाई? ये लोग माहौल खराब करने के, बिल्कुल ये माहौल खराब करने के लिए ही आए थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि अगर मॉल में कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो घूमता है, ये घूमे नहीं, कुछ खरीदारी भी नहीं की, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस जगह पर ये लोकेशन है लुलु मॉल की, वहां पर बिना गाड़ियों के अमूमन लोग प्रिफर नहीं करते, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे शुरू नहीं हुआ है। ये लोग बिना गाड़ियों के आए हैं, पैदल इनका एंट्रेंस है, पैदल ही जो स्ट्रीट्स के जो सीसीटीवी है उस रास्ते के उनको खंगाला गया, तो उनको देखने के बाद साफ हुआ कि ये पैदल आए थे और पैदल ही अंदर जब जाते हैं तो कहीं खरीदारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहां पर वो नमाज अदा करने के उद्देश्य से आए हैं। तो जाहिर है कि पुलिस को आशंका है कि ये लोग सिर्फ एक माहौल को खराब करने के लिए, लुलु मॉल को लिए कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ये लोग पहुंचे थे, और उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी का वीडियो इन लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया तब ये वायरल हुआ है। तो यही वजह है कि अब लखनऊ पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं, कुछ पुलिस को सबूत भी मिले हैं, इनकी तस्वीरें मिली हैं।